बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8-10 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। मैं सिखाऊंगी आपको। इसके में देखो, मेरे पास कपड़ा है, इसके चार ताए हैं, ये चार ताए हैं इसकी। इसकी लंबाई मैं आपको नाप बताती हूँ। सताईस इंच रखूँगी मैं इसकी, 12 12 24 इंच इसकी चौड़ाई है। इनकी इसका घेर जो है 24 इंच है। ये बाजू है मेरे पास, ये मेरे पास ये पट्टी है वाइट कलर की, एक ही वाली पट्टी है मेरे पास। इसके हम बनाएंगे बारीक सी, वो बना लेंगे हम इसकी बेल्ट से, बारीक से बेल्ट बनाएंगे प्लास्टिक के अंदर देने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। ये हमने इसका तीरे का निशान रखना है। मैं 6 रखूँगी। इस वाली फ्रॉक का थोड़ा बड़ा तीरा होता है, इसलिए इसको 6 रखूँगी। और ये 7 है, यहाँ से इसकी कटिंग करा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से मैं 7 रखूँगी। ऐसे करके ऐसे बनानी है अपनी लाइन, उधर मैं उसको लाइक कर लेनी है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे, आधा इंच एक गंदे कटिंग करेंगे उधर की हमने। अब गोल गले की बुलाई काट लेंगे हम। मैं आपको बताती हूँ, छोटे बच्चों का हम रखते हैं 2 इंच, 2 2.5 इंच या 2 2.5 इंच या 2 इंच, जितना आप रखना चाहती रख सकती हैं। मैं थोड़ा खुदा सा गला बनाऊँगी। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 10 इंच पे देखें, छोटे बच्चों के हम पेटी रखते हैं 10 इंच। ये हमने निशान लगाया, इस तरह से आप इसको इस तरह प्रेस करके बैठा लें। इसकी तय हमने बैठा दी है, लाइन पड़ गई है यहाँ। इसके ऊपर हम इसको इसकी उल्टी साइड करके देखें, इसको एक तरफ हम सिलाई कर लेंगे पहले। इसे एक तरफ हमें सिलाई लगा देनी इधर, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ये वाली पट्टी। ये वाली पट्टी यहाँ लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे हम। पट्टी लगाने से पहले हम इसको इसके ऊपर ये कपड़ा अटैच करके, यहाँ हमने इसके कपड़े को अटैच करना है। इसके ऊपर छोटी सी आपने डिब्बी बना लेनी है 1 इंच की। उसको बनाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये पहले आप पहले बनाना पट्टी, बाद में नीचे लगाना वाइट कलर की, क्योंकि हमारी शर्ट ओपन नहीं है, इसलिए हमें दरमियान बनानी पड़ेगी पहले। ये देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड पे बाहर ऐसे निकाल लेंगे। हमारा बन जाएगा इतना सुराग छोटा सा। इसके ऊपर रख के अब हमने लगानी है इसकी पट्टी। ये देखिए पट्टी हम इसके ऊपर रख के इसको दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अपने सिलाई कर लेना दोनों तरफ से। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है पट्टी। इसके ऊपर आपने इसके ऊपर ऐसे अटैच कर लेनी है, दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे हम इसके। ये मैंने इसके ऐसे बाजू बनाए हैं देखो, प्लास्टिक वाले। डोरी को खींच के हम आगे से यहाँ से ये हमने डालनी है। ग्लास का मैंने गोल बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे पट्टी अटैच की है इसकी साइडों से, और हमने कैसे इसके अंदर से डोरी को गुजारा है। तो बयान में से हमने शुरू करनी है। और ये देखिए यहाँ हमने वो बनाए थे, जैसे आप बनाते हैं शलवार का नेपा वगैरह बनाती हैं, उसके बाद आप रख लेनी है छोटी छोटी किनारे, रख लेनी है दोनों तरफ से, ताकि सारे से गुजर जाए हमारी डोरी। एक गोल पट्टी ऐसी बनती है, दोनों तरफ बनाई हमने, आगे पीछे डाली है। तो ये फ्रॉक तैयार होगी हमारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी बिल्कुल फ्रॉक तैयार है, छोटी बच्ची की फ्रॉक है ये। देखिए गला मैंने इसका कट वाला बनाया, इसको आप खींचना और चाहती हैं तो और खींच सकती हैं। मैंने इसको कम खींचा हुआ है। ये देखिए बच्ची की फिटिंग के हिसाब से, अगर बच्ची स्मार्ट है तो आप इसको और फिट कर लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।